नहर आंदोलन से जुड़े महिला पुरुष किसानों ने ग्राम गौला में नहर हेतु शनिवार सुबह रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी किसानों द्वारा बताया गया कि विगत 2 वर्ष पहले झीरनिया उद्वहन सिंचाई परियोजना की DPR बनने के बाद भी झीरनिया उद्वहन सिंचाई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति और बजट जारी न होने के कारण ग्रामवासियों में अत्यधिक आक्रोश बना हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम गौला और आसपास के सभी ग्रामवासियों द्वारा ग्राम की प्रमुख गलियों में नहर नहीं तो वोट नहीं की पट्टियों को सहित नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली और खंडवा लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने पर खंडवा लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामवासियों ने बताया कि झीरनिया उद्वहन सिंचाई योजना, जिसमें खरगोन जिले के झीरनिया तहसील के 49 गाँव साथ ही खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा के 29 गाँव शामिल है और अगर लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होती है तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के किसानों की प्रदेश सरकार से मांग है कि अगर नहर लोकसभा उपचुनाव के लिए पूर्व स्वीकृत नहीं की जाती है तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों नेताओं का क्षेत्र आगमन पर विरोध रहेगा। बीकन गाँव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। करना चाहते हो सभी किसान इसका विरोध करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और आप पर कहती किसी जनप्रतिनिधि जो पार्टी से जुड़ा है, अगर किसी के दबाव आया तो उसका भी इलाज कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम? कन्हैयालाल तिरोले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।